आइए बातचीत शुरू करी जाए। क्या नाम है आपका? विदेश नंदिनी। विदेश गई नानी, इनकी नानी विदेश गई हैं। वो कहा कहा थे? मैं कांड करत हूँ, बड़ा बड़ा कहा थे। नहीं कहा का, नहीं कहा का। जी नमस्कार मैडम, नमस्कार। ये एक्चुअली क्या है, ये बहरा है लड़का, बचपन से सुनने की क्षमता थोड़ी कमजोर है। ये थोड़ा चैनल, हाँ आइए तो इधर आइए। पीपी न्यूज हमारा टाटा स्काई में आएगा 526 नंबर कम। ये इंटरव्यू करेगा, इस सिंपली पूछेगा, आप लोग बताइएगा। एवरीथिंग रेडी? जय हिंद। वो घड़ी, वो लम्हा आ चुका है। नमस्कार, सुस्वागतम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। एक लड़ाई में जब दो झड़प से मुझे झापड़ पड़े तो मेरे कान की रोशनी चली गई थी। ये वाला पर्दा है ना भैया, अंदर से अभी दिख रहा होगा आपको, वो देखो थोड़ा डैमेज टाइप का है। तो झापड़ पड़ा था ना, तो ये इसका थोड़ा सा। एक्चुअली क्या हुआ था, बचपन में ये एक्वेरियम रखा हुआ था, तो वहाँ की मछली इसके कान में चली गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज? पंकज जी, जैसे इनका नाम संकट है, आपका क्या नाम है? विनोद। विनोद। और इनका नाम निरोध है, तो संकट और निरोध आज हमारे साथ हैं। जोर से बोलो, जोर। विनोद। निरोध नहीं, तो विनोद। वी वी विनोद। तो नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हमारे साथ पंडित जी हैं। इनका आपका नाम बताइए। पंडित चिंतामणि पांडे। तीन चार पड़े अंडे जी, तो हमारे साथ पंडित जी तीन चार पड़े अंडे हैं। नहीं, चिंतामणि पांडे। चिंतामणि कहा साहब? चिंता मणि। चिंता महाराज, चिंता। इनको देखकर मुझे वो गाना याद आ गया, चिंता ता चिंता 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 ता ता वाला। ठीक है, तो पाजी क्या नाम है आपका बताइए? ये सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह ढिंगी। सरबजीत सिंह ढिंगी। सरबजीत सिंह ढिंगी। सरबजीत सिंह ढिंगी। सरबजीत की थिंकिंग जी। अविनाश दुबे। अबे क्या है, क्यों बे, दिक्कत क्या हो रही है? मैं लिप्स देख के पढ़ता था, अब आपकी मूंछ इतनी ज्यादा है, लिप्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। आपकी लिप्स की मूंछ तो कटवाऊंगा नहीं। मेरा नाम साधुराम यादव है। काजू पूरा खा जाऊं तो काजू? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं। साधुराम यादव। साधुराम। साधुराम। साधुराम यादव। यादव। आइए, यहाँ एक बुजुर्ग महिला भी है, इनसे बात करते हैं। जी क्या करते हैं आप लोग? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, देखिए कितनी मार्मिक बात है, अखबार फेंकने जाती हैं ये दोनों सुबह रे। पेपर, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इनका। नो नो नो, स्टडी चल रही है हम लोगों की। तो सुबह रे कितने बजे निकल जाते हैं आप लोग अखबार फेंकने? स्टडी मतलब पढ़ते हैं हम लोग फ्री टाइम पे। सुबह तो भाई 6:30 से 7 के बीच आदमी पेपर फेंक के खाली हो जाता है, उसके बाद क्या? हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी। पीकू फॉल। पीकू फॉल का भी काम है इनका। देखिए बहुत, देखिए सुबह पेपर फेंकना फिर शाम से पीकू फॉल करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता जी। आपको तो बहुत अच्छा लड़का रिश्ता मिलेगा जो इतनी में शादी करेंगे। बिजनेस करता हूँ। बिजनेस? बिजनेस टिटनेस। बिजनेस? बिजनेस टिटनेस का इंजेक्शन ये कई लोग को लगा चुके हैं आज तक। डॉक्टर? डॉक्टर हैं आप? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी। बिजनेस? हाँ बिजनेस बिजनेस। क्या क्या धंधा है आपका जी? पैसा प्याज पे लगाते हैं। पैसा प्याज में लगा? देखिए कितनी प्याज कितना महंगा हो चुका था कि लोग आजकल उस पर पैसा लगाने लग गए हैं। ब्याज का धंधा है आपका? तो एक बात बताइए, ये तो इलीगल है ब्याज का धंधा? ऐसी बात तो नहीं, उसको आपने शो करके रखा है इनकम टैक्स वगैरह में, कहीं पता है ये चीजें? हाँ दिखाते हैं बिल्कुल। अच्छा हाँ, अभी आपने सब जो लिए ये बकर था पाजी, हमने आपके साथ प्रैंक कर दिया है। मजाक किया? मजाक किया। हेलो फ्रेंड। ऐसा कर दाओ दोगा, ऐसा ऐसा कर दाओ दोगा, ऐसा। टीचर? हाँ, तो ये पेंटर हैं और हमारे पेंटर पेंटिंग। टीचर? टीचर गुरुजी। गुरुजी तो कितने बच्चे पास होते हैं भाई? अभी तो सभी बच्चे पास हो जाते हैं। जैसे बता रहे हैं कि ये जितने लोग को इन्होंने पढ़ाया है सभी बच्चे फेल हुए हैं आज तक, और तो इतना गंदा क्यों पढ़ाते हैं आपके बच्चे फेल हो जाएं? ये तो चीज़ ठीक नहीं है। ग्रेडेशन के आधार से पास हो जाते हैं।
देखिए चीटिंग करवा के पास करवा देता हूँ कह रहे हैं। देखिए ये चीजें ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। बदलाव कर दोगे यार आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास है जी। और आप पूरी बात को समझिए उसके बाद बोलिए। इसमें चमकाने वाली क्या बात है, मुझे क्यों गुस्सा हो रहा है, मुझे क्यों चमका रहे हैं आप? मैं आपको चमका नहीं रहा हूँ। अभी आपने बोला ना अबे तेरे को सुनाई नहीं देता तो तू क्यों कर रहा है रिकॉर्डिंग। पूरा मैंने पढ़ लिया है आपके लिए। आपने शुरू होते मुझे क्यों बे कह दिया, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कहना ठीक है क्या? बहुत अच्छा हमारे इंटरव्यू लेते हुए नटवर छेत्री। मेरे कान की जो रोशनी चली गई थी, मेरे को भी देर हो रही है, मैं जा रही हूँ जल्दी। ये हमारे साथ जल्दी कर रहे हैं। हाँ दौड़ेंगे अभी, अभी नहीं तो शाम के दौड़ेंगे। तो एक बात बताइए कि क्या कर रही हैं अभी आप यहाँ पर? मैं वॉक कर रही हूँ। चौक खाती हैं आप? नहीं देखिए ठीक चीज़ नहीं है। दान जो दिया हुआ दान को नहीं लेते, तो ये पंडित लोग का तो मुझे शोभा नहीं देता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई दान हम रख लें। नहीं ये आप नहीं समझ रहे हैं ना, दान हम लेते ही नहीं है। जो ये देखिए मतलब ये बोल रहे हैं मैं दोनों हाथ से दान पूरा रख लेता हूँ और किसी को नहीं देता हूँ। देखिए पंडित जी ये चीज़ ठीक नहीं है। यार वो दान देते तेल में नहीं रखा हूँ कहा था। पूरा रख लेते नहीं रखा, ये तो गलत बात है ना। ये नहीं रखा है, सब ब्राह्मण इतना नहीं हो। भले देखिए मेरे भी सुनने में शक्ति नहीं है, मैं भी सुनने में असमर्थ हूँ, पर मैं कभी भी ये नहीं करूँगा कि पूरा चीजें मैं रख लूं। इसमें जो दान दिया जाता है उसको नहीं लेते, कर्म कांड करवाते हैं। देखिए पंडित होके खुलेआम कह रहे हैं हम बड़े बड़े कांड करते हैं। देखिए ये कांड करना ठीक नहीं है। दान नहीं ले कहा थे तो दादा मोला सुनाई नहीं दे थे तो मैं कैसे करूं? वो क्या कहा दादा सुन। वो क्या कहा थे? मैं कांड करत हूँ बड़ा बड़ा कहा थे। नहीं कहा का, नहीं कहा का, नहीं कहा का। अरे दान नहीं ले कहा थे दादा, तेरे पूरी कर्म बकवास है। पल्लवी छलावी मिश्रा जी, छलावा ये कैसा नाम है? छलावा नहीं करना है। ये पक्का प्रैंक हो रहा है। क्या करती हैं आप? प्रैंक शूट करते हैं। टैंक? टैंक से शूट कर देती हैं आप? अच्छा आर्मी में हैं आप? देखिए टैंक से शूट करती हैं, कितनी बहादुर। हमारे साथ एक जवान लड़की है जो फौज में है। तो कब से आप ज्वाइन कर लिया आपने फौज? अभी अभी। अच्छा अच्छा। और एक बात बता दें आपको, वो छोटा वाला लड़का है ना बहुत बदमाश है वो, और हम लोग जो है ना उससे ज़्यादा बदमाश है, और मैं जो हूँ ना मेरे को सब सुनाई देता है। तो ये था हमारा पेलम पेल न्यूज़ का बहरा रिपोर्टर प्रैंक। इस प्रैंक का सबसे मजेदार मोमेंट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारे पेलम पेल न्यूज़ के जितने भी वीडियोस है उसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इस वीडियो के लास्ट में डाल रखी है, तो उसे क्लिक करके देखना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा लेके आते हैं कुछ बहुत ही यूनिक कॉमेडी वीडियोस। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। तो देखिए ये निरोध भाई है हमारे साथ, कई लोग आज तक इनके इस्तेमाल कर चुके होंगे। ठीक है चलिए, देखिए हंसी मजाक ठीक है। नहीं 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 लेंगे। अरे प्रैंक चल रहा है, मजाक करो, मेरे को सब सुनाई देता है। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, कुछ छीनता है आदमी तो कुछ दे भी देता है भगवान। जैसे मेरी आवाज कान सुना बाहर नहीं, और मेरे को स्मार्ट बना दिया। I look like a hero. Huh? Yeah. Yeah. In any film I can perform. I'm a good dancer. तो ये चीजें हैं जी, जाके हॉलीवुड में ट्राई करिए जी। हॉलीवुड में जाऊंगा मैं। ऐसे लोगों का ना कॉन्फिडेंस काफी हाई रहता है। हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। मुझे बहुत नाम मिला है इस चीज में, और बोले हैं कि आप इसी चीज को बढ़ाइए, बोलते हैं लोग। बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, और तनख्वाह भी मेरी जो बढ़ी है पिछले महीने। डाइटिशियन है, डाइट बता। डाइटिशियन आप हैं? अच्छा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एक बार आप बोलती तो शायद मैं भरोसा कर लेता। राणा विकास सिंह जिंदाबाद। खड़ा दौड़ा समझ गया तू, घोड़े में दौड़े। कितना किलो प्याज खरीद लेते? प्याज मैं 100 किलो खरीदता प्याज में।
100 किलो क्या बोले इनको बताओ।